मोस्ट वेलकम। तो चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं एंड आज की क्लास में हम सभी एक न्यू चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और ये चैप्टर है हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप हमारे साथ साथ नोट कर लो, आज का जो हमारा क्लास है ये है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, और आज के क्लास में हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप का चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को समझेंगे। ठीक है, अभी तक हमने जाना कि पार्टनरशिप फॉर्म होता है तो पार्टनरशिप क्या है, उसका नेचर क्या है और पार्टनरशिप का बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हमने जाना कि हमें उसका रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, फिक्स कैपिटल मतलब फिक्स कैपिटल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, इन सभी के बारे में हम सभी ने समझा। ठीक है, अभी तक हम ये नहीं जानते कि अगर पार्टनर्स के बीच में कोई भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट में बदलाव किया जाता है तो फिर हम अकाउंटिंग कैसे करते हैं, अभी तक हम ये चीज नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो अब हमें इन सभी चीजों को समझना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात कि हमें कभी भी कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म का अकाउंटिंग करने का जरूरत कब पड़ता है। ठीक, तो बहुत सिंपल है, हमें कभी कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म का अकाउंटिंग करने का जरूरत कब पड़ता है, तो जब भी पार्टनरशिप फॉर्म का जो है वो रिकंस्टिट्यूशन होता है। क्या होता है? रिकंस्टिट्यूशन। ठीक है, रिकंस्टिट्यूशन। अब ये देखो रिकंस्टिट्यूशन का मतलब क्या है, तो जब कभी भी कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म का रिकंस्टिट्यूशन होता है तो हमें उनका अकाउंटिंग करने का जरूरत पड़ता है। रिकंस्टिट्यूशन का मतलब है पुनर्गठन। क्या होता है? पुनर्गठन। ठीक है, पुनर्गठन का मतलब क्या कि जब भी कभी किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म में जो उनका करंट एग्रीमेंट है उस एग्रीमेंट में कुछ बदलाव करके एक न्यू एग्रीमेंट तैयार कर लिया जाता है, एक कुछ भी बदलाव हो सकता है, वो हो सकता है कि वो पूरा एग्रीमेंट ही चेंज कर रहे हैं या फिर हो सकता है कि वो एक रूल बस चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो जब कभी भी वो अपने पार्टनरशिप फॉर्म का कोई भी रूल में चेंजिंग करते हैं तो वो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म कहलाता है। क्या कहलाता है? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ओके, सो अभी तक हम सभी जो पढ़ रहे हैं वो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्लास है। ठीक है, अभी हम समझेंगे कि ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्लास हम अभी क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो रिकंस्टिट्यूशन मतलब पुनर्गठन। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी भी फॉर्म में रिकंस्टिट्यूशन सिर्फ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के कारण ही हो। अब रिकंस्टिट्यूशन कितने तरीकों से हो सकता है, तो रिकंस्टिट्यूशन का मतलब क्या है? चेंज इन करंट एग्रीमेंट, जो करंट एग्रीमेंट था फॉर्म का उसमें जो है वो बदलाव करते हैं तो ये कहलाता है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। अब रिकंस्टिट्यूशन कितने तरीकों से हो सकता है, तो पहला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव करके। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ पूरा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। रिकंस्टिट्यूशन कब होता है, तो जब कभी भी पार्टनर्स के बीच में जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इसमें बदलाव किया गया। ठीक है, और दूसरा कब होता है, तो मान लो कि पहले से कोई दो पार्टनर काम कर रहे थे और अब वो जो है वो किसी तीसरे को लेके आ रहे हैं फॉर्म में, तो यहाँ पे क्या होता है, इसे एडमिशन बोलते हैं। तो यस, एडमिशन के टाइम पे भी रिकंस्टिट्यूशन होता है, मतलब पुनर्गठन होता है, यानी एडमिशन के टाइम पे भी फिर से जो है वो एग्रीमेंट तैयार किया जाता है। पुराना एग्रीमेंट पे कुछ नहीं होगा, फिर न्यू पार्टनर को कहां से मिलेगा शेयर, बाकी पुराना एग्रीमेंट जो है वो तो पुराने पार्टनर्स का है ना, तो उस टाइम पे भी रिकंस्टिट्यूशन होता है। ठीक है, आई बात समझ में। देन थर्ड, जब कोई पार्टनर रिटायर करता है, मान लो कि पहले से दो पार्टनर है और अब एक तीसरा पार्टनर जो है वो बीमार पड़ गया है या कोई भी रीजन उसका हो सकता है, वो फॉर्म में अब नहीं रहना चाहता, तो वो जाएगा ना, और उसका क्या मतलब, वो चला जाएगा, उसके बाद भी उसे प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, उसके बाद भी उसे सैलरी कमीशन वगैरह मिलेगा, क्या ऐसा होता है कभी? नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं। तो जो पार्टनर जा रहा है, ठीक है, तो वो जा रहा है तो उस टाइम पे भी उसका शेयर को हटाया जाएगा, डिलीट किया जाएगा, तो वो उस टाइम पे भी रिकंस्टिट्यूशन होगा। ठीक है, नॉर्मल जैसे हटाया डिलीट किया नहीं जाएगा, कैसे किया जाएगा ये तो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे है रिटायरमेंट। ओके, रिटायरमेंट तक तो समझ गए। अब हो सकता है कि किसी पार्टनर का डेथ हो जाए, ठीक है, डेथ ऑफ पार्टनर। फिफ्थ, डिसोल्यूशन भी होता है, तो डिसोल्यूशन पे रिकंस्टिट्यूशन तो नहीं होता, मतलब फॉर्म का फिर से एग्रीमेंट तो तैयार नहीं होता, वो तो पूरा एग्रीमेंट खत्म ही हो जाता है। ठीक है, तो वो रिकंस्टिट्यूशन में नहीं आता।
यहाँ पे एक और आता है amalgamation, नाम आपको सुनने को मिलेगा amalgamation. amalgamation का मतलब क्या होता है? तो amalgamation का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक कंपनी या पार्टनरशिप फर्म या कोई भी बिजनेस जब साथ में आते हैं, मतलब मिलते हैं, ठीक है, मतलब दो अलग अलग बिजनेस है, एक बिजनेस दोनों मिल गए, तो ये हो गया आपका amalgamation. ठीक है, आई बात समझ में? तो ये होता है रिकंस्टिट्यूशन. तो हम जो पढ़ रहे हैं ना, ये रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, इसका अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं. ठीक है, मतलब जब पार्टनरशिप फर्म का करंट एग्रीमेंट में बदलाव होगा तब हम किस तरह से अकाउंटिंग करेंगे, ये पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो रिकंस्टिट्यूशन में आज हमारा पहला टॉपिक है वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. क्या है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. यानी यहाँ पे ना कोई न्यू पार्टनर आ रहा है, ना कोई न्यू पार्टनर जा ना कोई पार्टनर जा रहा है, ना किसी पार्टनर का डेथ हुआ है, लेकिन फिर भी पार्टनर्स के बीच में जो है वो उनका एग्रीमेंट में बदलाव हुआ है. अब ये बदलाव किस चीज पे है? तो ये बदलाव उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे है. मतलब पार्टनर्स अगर पहले बराबर बांट रहे थे तो अब उनका रेशियो जो है वो बदली किया जाएगा और अब वो एक न्यू रेशियो में बांटेंगे. ठीक है, आई बात समझ में? तो ये होता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो क्या मैं इसे क्लीन कर दूं? यस, अब क्लीन करना चाहिए हमें. ठीक है, सो देखो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो हम पढ़ रहे हैं, इसमें क्या होता है? तो अभी मैंने आपको बोला कि इनके बीच में जो पुराना एग्रीमेंट है, जो पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, उसमें बदलाव करके एक न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तैयार किया जाता है. ठीक है, और ये इसका रीजन कुछ भी हो सकता है. मान लो कि वो पार्टनर जो, मतलब मान लो कि पार्टनर्स के बीच में अब जो है वो प्रॉफिट अधिक हो गया, या फिर हो सकता है कि कोई पार्टनर जो है वो अधिक काम कर रहा है, वो कैपिटल भी लाया है और काम भी कर रहा है, तो अब वो सारे पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि नहीं अब जो है वो एग्रीमेंट में बदलाव होने चाहिए. तो यहाँ पे भी हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ेंगे. अब यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव होने पे हमें किन किन चीजों का अकाउंटिंग किया जाएगा? ठीक है, अकाउंटिंग तो हमें करना ही पड़ेगा ना, अकाउंट्स है तो यस, तो हमें किन किन चीजों का अकाउंटिंग करना होगा? तो देखो, जब भी कोई भी पार्टनर या फिर कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव होता है ना, तो इसके दो केस उत्पन्न होते हैं. दो केस क्या है? तो इसे हम एग्जांपल से समझते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा. लेट्स से कि यहाँ पे हम लेते हैं ए और बी, या फिर कुछ भी ले लो, कोई भी नेम, पिंटू एंड चिंटू. ठीक है, मान लो कि दो पार्टनर है, पिंटू एंड चिंटू. ठीक है, तो यहाँ पे पिंटू और चिंटू जो है वो दो पार्टनर्स हैं, और इनके बीच का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या हो सकता है? तो मान लो कि पहले 2:1 था. ठीक है, ये पहले वाला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, ये ओल्ड रेशियो था. ठीक है, ओल्ड रेशियो जिसे बोलते हैं, मतलब जो पहले से आपको क्वेश्चन में रेशियो गिवन होगा, पहले से उसको बोलेंगे हम ओल्ड रेशियो, पुराना रेशियो. ठीक है, अब क्या हुआ कि पिंटू और चिंटू ने डिसाइड किया कि अब देख रहा है कि पिंटू जो है वो कम काम कर रहा है और शेयर कितना ले रहा है, दो हिस्सा इसे मिल रहा है, तीन हिस्से में एक हिस्सा तो पिंटू, दो हिस्सा तो पिंटू का है. तो अब देखा जा रहा है फॉर्म में, मतलब दोनों ने डिसाइड किया कि पिंटू तो कम काम कर रहा है फिर भी उसे दो शेयर मिल रहा है, चिंटू काम भी अधिक कर रहा है और कैपिटल भी लाया है लेकिन फिर भी चिंटू को जो है वो एक ही हिस्सा मिल रहा है, तो यहाँ पे गड़बड़ी होती है. तो ये जो है वो अपना जो उनका एग्रीमेंट था उनमें बदलाव करते हैं एंड अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करते हैं, एंड ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज करके अब रेशियो ही पूरा बदल देते हैं. अब चिंटू को जो है वो 1/2, मतलब अब जो है ये जो न्यू रेशियो उनके बीच में बनेगा, मतलब वो होता है न्यू रेशियो, से हम न्यू रेशियो बोलेंगे. ठीक है, तो इनका न्यू रेशियो 1/2 हो गया. ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि पिंटू को पहले 2/3 हिस्सा मिला था, मतलब तीन में से दो हिस्सा पहले पिंटू का था, लेकिन अब क्या हो गया पिंटू का? देखो सिर्फ पिंटू का भी ध्यान देना है, चिंटू का भी हम भूल जा रहे हैं. ठीक है, तो पिंटू का 1/3 मिल रहा है, अब ये ओल्ड वाला है पिंटू का. ठीक है, यहाँ मैं लिखती हूँ, ये ओल्ड वाला है पिंटू का, लेकिन अब न्यू वाला भी क्या हो रहा है कि पिंटू को तीन हिस्सा में मात्र एक ही हिस्सा मिल रहा है, 1/3. तो इनका जो डिफरेंस है ये एक, मतलब एक हिस्सा जो इसे कम मिलने लगा अब, ये क्या है? तो एक हिस्सा जो इसे कम मिलने लगा ये इनका सैक्रिफाइसिंग वाला हिस्सा, सैक्रिफाइस कर रहे हैं ये. ठीक है, तो ये जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं इसे बोलते हैं सैक्रिफाइस शेयर. तो ये कितना शेयर सैक्रिफाइस कर रहे हैं? तो एक हिस्सा, एक शेयर जो है वो ये सैक्रिफाइस कर रहे हैं. आई बात समझ में? अब यहाँ वही चिंटू का है, तो चिंटू को पहले 1/3 मिल रहे थे, अब 2/3 मिलेंगे. तो इनके पास जो एक हिस्सा बढ़ गया तो ये इनको एक हिस्सा गेन हुआ, वन शेयर जो है वो इनका सैक्रिफाइस हुआ, तो ये इनका हो जाता है गेनिंग शेयर. आई बात समझ में? तो जब कभी भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव किए जाते हैं तो उनमें से कुछ पार्टनर को जो है वो सैक्रिफाइस करना पड़ता है एंड कुछ पार्टनर को जो है वो अपना शेयर गेन होता है, मतलब कुछ पार्टनर को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा और कुछ पार्टनर को गेन होगा. तो यही यहाँ पे हमें करना है, सबसे पहले हमें समझना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो. यहाँ पे हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता करना होगा और गेनिंग रेशियो पता करना होगा.
अब देखो यहाँ पे हो सकता है लिखा रहे कि ए इज सैक्रिफाइसिंग पार्टनर और बी इज सैक्रिफाइसिंग पार्टनर गेनिंग पार्टनर, तो सिंपल है समझ जाना, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का मतलब है द पर्सन हु सैक्रिफाइस इट्स शेयर ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ओके, मतलब जो पार्टनर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के कारण से अपना शेयर को सैक्रिफाइस कर रहा है वो होता है यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, देन यहाँ पे क्या है गेनिंग पार्टनर, तो गेनिंग पार्टनर तो द पार्टनर, तो यहाँ पे गेनिंग पार्टनर पार्टनर हुज शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्रीजेस ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो वो हो जाता है गेनिंग पार्टनर। आई बात समझ में? तो हमें सबसे पहले यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो का कैलकुलेशन को समझना होगा। ठीक है, देन सेकंड हमें यहाँ पे गेनिंग रेशियो का कैलकुलेशन को समझना होगा। ठीक है, आई बात समझ में? अब क्या है सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो को समझ जाने के बाद आपको जो है वो क्वेश्चन में मतलब पहले से कुछ एसेट्स होंगे कुछ लाइबिलिटीज होंगे तो उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव हो गया है इसके कारण से उनका एसेट्स और लाइबिलिटीज में भी बदलाव हो जाता है। तो यहाँ पे हम थर्ड पढ़ेंगे रीवैल्यूएशन। ठीक है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। ठीक है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज को समझेंगे। ओके, देन हमें फोर्थ में समझना होगा गुडविल का कैलकुलेशन को समझेंगे इस क्लास में। ठीक है, accumulated profit and reserves and goodwill, ठीक है, इसी में सारे हमारे आ जाएंगे accumulated profit and loss सब आ जाएंगे इसमें। ठीक है, then फाइव नंबर हम पढ़ेंगे बैलेंस शीट की, बैलेंस शीट जो है वो कैसे प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो इतना टॉपिक हमें पढ़ना होगा, ये पांच टॉपिक हमारा इस क्लास में क्लियर होगा तो ये जो हमारा चेंज इन प्रॉफिट चेंज इन रेशियो का क्लास है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? चलो तो अब हमें क्या करना है, तो आज की क्लास में हम सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो को समझेंगे और इतना देर जो बकवास हमने किया वो हमारा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। ठीक है, चलो अब हो गया, अब सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो को समझेंगे, पता चल गया ना ये पांच टॉपिक हमें पढ़ना है। ठीक है, तो देखो सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो सिंपल है, पता चल गया ना कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है। तो यस, जो रेशियो में पार्टनर सैक्रिफाइस करते हैं वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है और जो रेशियो में पार्टनर गेन करते हैं वो गेनिंग रेशियो है। आई बात समझ में? अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। तो सिंपल है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो मैं ऐसा लिखूंगी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो मतलब जो पार्टनर का पहले का हिस्सा अधिक था और अभी का हिस्सा जो न्यू वाला हिस्सा है वो कम है तो वही है ना सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, तो वैसे ही तो निकलेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सिंपल है, यहाँ पे आपको जो ओल्ड रेशियो होगा उसमें माइनस कर देंगे न्यू रेशियो। ठीक है, अगर किसी एक्स का हम निकाल रहे हैं तो ओल्ड शेयर ऑफ एक्स माइनस न्यू शेयर ऑफ एक्स, ओल्ड शेयर माइनस करेंगे माइनस न्यू शेयर। ठीक है, ये रेशियो का मैं लिख रही हूँ, शेयर समझ जाना मतलब पुराना शेयर में न्यू शेयर घटा देंगे तो हमारा जो गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग शेयर है पता चल जाएगा। तो ये हम सैक्रिफाइसिंग में पढ़ेंगे। गेनिंग में क्या होता है ना कि पहले का शेयर उनका कम था लेकिन अब वाला शेयर जो है वो उनका अधिक है। पहले का शेयर क्या था, कम था और अब वाला शेयर जो है वो अधिक है। ठीक है, तो उनका पहले वाला शेयर अधिक था ना तो पहले वाला में माइनस करेंगे जो बड़ा होता है उसी में माइनस किया जाता है हमें, तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करेंगे, मतलब अगर एक पार्टनर का निकालेंगे तो न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर करेंगे। ठीक है, अब देखो हमें पहले क्वेश्चन में पता नहीं चलता है कि वो पार्टनर जो है वो सैक्रिफाइस कर रहा है या वो पार्टनर जो है वो गेन कर रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, हम एक ही फॉर्मूला को लेकर चलेंगे, हम एक ही फॉर्मूला लेंगे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यही है ओल्ड में न्यू माइनस करेंगे। अगर माइनस में आ जाएगा मतलब माइनस में कब आएगा, जब उनका न्यू वाला शेयर जो है वो अधिक होगा, तो अगर उनका न्यू वाला शेयर अधिक होगा और माइनस में आ जाएगा तो वो गेन कर रहे होंगे, और अगर प्लस में आता है क्योंकि हमने ओल्ड में माइनस किया है तो ओल्ड अगर अधिक है और न्यू वाला कम है तो प्लस में आएगा ना, तो वो हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो बस यही है सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो, बस क्लास में और कुछ भी नहीं है, सारे हमारे इंट्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट हो गए। अब जो है ना हम क्वेश्चन को सॉल्व जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारा ये क्लास अच्छे से कम्प्लीट हो जाए और आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, सो देखो एनसीईआरटी बुक मैं प्रेफर करती हूँ, मैं एनसीईआरटी बुक से बताती हूँ, तो एनसीईआरटी बुक में ना इसका कोई अलग से चैप्टर ही नहीं है। ठीक है, मतलब सीधे बेसिक के बाद में हमारा सीधे एडमिशन दे दिया गया है और एडमिशन में ही हमारा गुडविल भी है और न्यू पार्टनर मतलब ये भी है लेकिन बहुत छोटा सा। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन है वो मैं खुद से ले रही हूँ, तो क्वेश्चन मान लेते हैं हम कि यहाँ पे ए बी सी डी कितना भी पार्टनर आपको दिया हो, कितना भी मतलब नहीं देगा, मतलब बीस से ज्यादा तो नहीं दे सकता ना, तो मान लो ए बी सी डी जो है वो पार्टनर है और इनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले 4:3:2:1 था। ठीक है, इनका ये क्या था, ये ओल्ड रेशियो था, अब इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ, अब इनका जो है वो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इनका ए बी सी और डी
और अब इनका न्यू रेशियो क्या हो गया, तो अब इनका रेशियो 5:3:2:1 हो गया। अब उनका रेशियो जो है वो 5:3:1:1 हो गया। ठीक है, देखो थोड़ा सा मैंने बदलाव किया, 4:3:2:1 था, अब हम सभी 5:3:2:1 कर दिए हैं। ठीक है, तो अब इसमें हमारा बदलाव है, ये हमारा जो है वो न्यू रेशियो है। ठीक है, अब हमें इसमें जो है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो दोनों पता करना है। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग दोनों हमें पता करना होगा। तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना होगा, सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग शेयर ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, पार्टनर्स के जो है वो सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग शेयर हमें पता करना होगा। ठीक, पहले पता नहीं चल रहा कि सैक्रिफाइस करा या गेन करा, इसलिए सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग शेयर ऑफ पार्टनर्स मैं लिख रही हूँ। तो यहाँ पे हम ए लिखेंगे और देखो ए की फॉर्मूला यूज करेंगे, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर का। ठीक है, ओल्ड शेयर में न्यू शेयर जो है वो हमें माइनस करना होगा। अगर प्लस में आता है तो वो हमारा सैक्रिफाइस करेगा, माइनस में आता है तो गेन करेगा। माइनस में कब आएगा, जब न्यू वाला अधिक होगा, तो सीधा है मतलब जब पहले अब वाला जब अधिक है इसका मतलब कि वो गेन कर रहा है ना, तभी तो अब वाला अधिक है, तो माइनस में आएगा तो वो गेन कर रहा है। ठीक है, तो जल्दी से सॉल्व करो, बहुत बातें हो गई। ए बी सी एंड डी। ठीक है, देखो ए का जो है यहाँ पे वो कितना शेयर है, तो 4 लिखेंगे। अब ऐड करो सबको, 4 और 3 7 8 9 और 1 10, 4/10 हिस्सा जो है वो ए को मिलता था, और 5/ बी को कितना मिल रहा है, 3/10, एंड सी को कितना मिल रहा है, 2/10, एंड डी को मिल रहा है 1/10। ठीक है, तो यहाँ पे 1/10 लिखेंगे। अब माइनस करते जाओ सबका न्यू शेयर, ओल्ड शेयर लिख लिए, अब न्यू शेयर को माइनस करेंगे। तो न्यू शेयर कितना है, 5/8 9 10 और 11 5/11, एंड बी को मिल रहा है 3/11, एंड 2 को मिल रहा है 2/11, एंड सॉरी बी सी को मिल रहा है 2/11, एंड डी को मिल रहा है 1/11। ठीक है, अब तो इसे नॉर्मल मैथ्स कैलकुलेशन जैसे सॉल्व करना है वैसे कर देते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे 10 और ये 110 हो जाएगा, एंड 44 माइनस 50। ठीक है, ये आएगा समझ में कैसे किया, अब इसे जो है वो लेस कर दो। तो देखो 44 में माइनस करेंगे 50, पहले इनको 44 शेयर मिल रहा था, अब इन्हें 50 मिल रहा है, तो पहले इन्हें कम मिल रहा था और अब अधिक मिल रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -6/110 नहीं होगा क्या, -6/110 होगा ना, माइनस क्यों, क्योंकि इन्हें अब जो है वो अधिक मिल रहा है, तो क्योंकि ये माइनस में आया इसलिए ये गेन कर रहे हैं, माइनस में आया इसलिए गेन, मतलब ये फॉर्मूला में हमने यूज किया इसलिए। ठीक है, ओल्ड माइनस न्यू के, इसलिए ओल्ड जो है वो पहले इनका कम था और न्यू जो है वो 50 है, पहले 44 मिल रहा था 50 मिल रहा है, या फिर 6 हिस्सा तो इन्हें अधिक मिल रहा है ना, तो इसलिए इसे -1/10 करेंगे। आई बात समझ में, अब क्या करना है, अब इसी तरह से इनकम करेंगे, तो 110 अगेन यहाँ 33 माइनस 30 हो जाएगा हमारा, तो ये 3/110। तो देखो इनमें ओल्ड से इन्हें पहले 33 शेयर मिल रहा था और अब 30 शेयर मिल रहा है, तो 3 शेयर का अब इन्हें नुकसान हो रहा है, तो ये सैक्रिफाइस कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे हम सैक्रिफाइस लिखेंगे। आई बात समझ में, देन अगेन इसी तरह से इनका भी सॉल्व करो, तो यहाँ पे भी 22 माइनस 20 होता है, तो यहाँ पे 2/10 हो जाएंगे हमारे, एंड ये भी सैक्रिफाइस कर रहे हैं, एंड इन्हें भी, तो 110 11 माइनस 10, तो अगेन हमारा यहाँ पे 1/10 होता है और ये सैक्रिफाइस कर रहे हैं। आई बात समझ में, अब ये सैक्रिफाइस कौन कौन कर रहा है, तो बी सी और डी सैक्रिफाइस कर रहा है, जबकि ए जो है वो गेन कर रहा है 6/10 हिस्सा। ठीक है, तो यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो जो जो भी पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा इनका, तो बी सैक्रिफाइस कर रहा है, सी सैक्रिफाइस कर रहा है, एंड डी सैक्रिफाइस कर रहा है, तो बी का 3/110 एंड सी का 2/110, देखो यहाँ 110 है। ठीक है, एंड सी का 1/110, तो यहाँ पे 3:2:1 जो है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, और गेन कौन कर रहा है, तो गेनिंग का रेशियो कैसे पता होगा, गेन तो एक ही पार्टनर कर रहा है ना, तो गेनिंग ये सब जो है ना, ये बी सी और डी इन्हें ही सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ओके, और जो गेनिंग पार्टनर कौन है यहाँ पे, तो गेनिंग पार्टनर बस ए है, तो गेनिंग पार्टनर जो है वो ए है। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना पड़ता है सैक्रिफाइसिंग शेयर और गेनिंग शेयर, मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना होगा। अब आपके बुक में जो भी बुक आप प्रेफर करते होंगे उनमें कुछ क्वेश्चंस होंगे स्टार्टिंग के सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने वाला, तो आप ऐसे कर सकते हो। कभी कभी तो क्वेश्चन में आपको लिखा होगा कि डी जो है वो 1/5 ए से ले रहा है, एंड कभी कभी लिखा होगा कि 1/5 का हाफ जो है वो ए से ले रहा है, तो कभी बी से ले रहा है, तो ए और बी से जो ले रहा है ये हिस्सा, ठीक है, वही उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग हिस्सा होगा जो जो पार्टनर ले रहा है। जैसे कि मान लो डी है, तो डी ले रहा है, तो डी के लिए तो 1/5 जो है वो गेन है, लेकिन ए अगर दे रहा है तो ए के लिए तो ये सैक्रिफाइस हुआ ना, तो सैक्रिफाइसिंग हिस्सा वही यहाँ पे हो जाएगा 1/5। आपको यहाँ पे न्यू रेशियो पहले से गिवन हुआ,
तरीके से आपको लिखा होगा 1/5 ए से ले रहा है, 1/5 बी से ले रहा है, तो इस तरीके से आपको समझ आ रहा है कि 1/5 जो है वो ए सैक्रिफाइस कर रहा है और जो ले रहा है वो गेन कर रहा है। ठीक है, तो यही है हमारा आज का क्लास सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो का। नेक्स्ट क्लास हमारा ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट का होगा। ठीक है, सो तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।